नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर। हम बात करेंगे कौन कौन जो है मंत्री बने हैं, राजद की तरफ से कौन कौन मंत्री बने हैं, जदयू की तरफ से कौन कौन मंत्री बने हैं, कांग्रेस की तरफ से किन को मौका मिला, और हम और एक निर्दलीय व्यक्ति के बारे में कि जिसको जो है कैबिनेट में जगह मिली है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे ये भी जानेंगे कि कौन कौन नाम है जिनको कि कैबिनेट में जगह मिली है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जदयू के खाते से कितने हैं, आरजेडी के खाते से कितने हैं, कांग्रेस और हम के खाते से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या है, और यहां पे इनका संख्या जो है वो 16 है। यानी कि आरजेडी के खाते में तेजस्वी यादव जिसका नेतृत्व करेंगे, उसके अंतर्गत जो है 16 लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की, तो जदयू के खाते में जो है 11 लोगों को जगह मिली है। 11 विधायकों को जो है वो कैबिनेट में बैठने का मौका मिला है, उन्हें जो है बिहार के आगे विकास को लेकर सोचने का मौका मिला है। अगर हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास से जो है लंबा बहस चला 5-4-3-2। अब जो आखिरी स्थिति है उसमें दो व्यक्ति यानी कि दो विधायकों को जो है मौका मिला है सदन में बैठने का, और हम के तरफ से एक, यानी कि वो पहले से भी अगर हम बात कर लें बीजेपी और एनडीए की सरकार की, तो उसमें भी जो है उन्हें एक मौका मिला था, और एक जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें भी जो है इस बार कैबिनेट में जगह मिली थी। तो एक एक हम जानेंगे कि किनको कौन सा मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को जो है कौन सा पद मिला है और कौन कौन सा विभाग जो है उन्हें दिया गया है, तो तेजस्वी यादव जो है के पास जो है स्वास्थ्य विभाग मिला है। इसके बाद जो है इन्हें पथ निर्माण एवं नगर विकास विभाग मिला है, आवास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग। यानी कि कहले कि तेजस्वी यादव के पास जो है 4 विभाग जो है उनको इस बार मिला है। इससे पहले तेजस्वी यादव को एक बार कह ले कि स्वास्थ्य विभाग जो है तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को 2015 विधानसभा चुनाव में जब इनको जीत मिली थी तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला था। पथ इस बार जो इन्हें है पथ निर्माण विभाग, नगर विकास, आवास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग जो है तेजस्वी यादव के खाते में आया है। तो कह लें कि 4 पद जो है तेजस्वी यादव के पास आए हैं। वहीं अगर हम दूसरा देख लें, तेज प्रताप यादव को लेकर लंबा बहस चलता रहा, मीडिया में भी खूब सुर्खियां बनी कि तेज प्रताप यादव को कौन सा पद मिलेगा। तो जो कयासे लगाई जा रही थी तेज प्रताप यादव को लेकर वो दो चीज़ें थी। एक तो इनको स्वास्थ्य विभाग मिल सकता है, दूसरा पथ निर्माण विभाग का जो है नाम सामने आ रहा था। लेकिन इन सब से उलट इनको जो है तीसरा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है तेज प्रताप यादव को मिला है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने मीडिया में भी कहा था कि हम स्वास्थ्य विभाग में और काम करना चाहते हैं। पिछली बार जब इन्हें मौका मिला था तो सोचे थे कि कुछ और काम जो है वो बाकी रह गया है, तो हमें कुछ और करने का एक बार और मौका मिल सकता है। लेकिन पार्टी ने जो है, पार्टी का जो डिसीजन है उसमें जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है तेज प्रताप यादव के खाते में आया है। तीसरा अगर हम बात कर लें जदयू के, तो जदयू की तरफ से जो है विजय कुमार चौधरी, इन्हें जो है वित्त विभाग मिला है। विजय कुमार चौधरी एक बार बिहार की बजट को देखेंगे कि क्या कैसे कितना पैसा जो है हम खर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पिछली सरकार में विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे, बिहार में एजुकेशन व्यवस्था को देख रहे थे, प्रारंभिक शिक्षा को देख रहे थे, हायर एजुकेशन को देख रहे थे, कैसे जो है हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इस बार जो नई कैबिनेट बनी है, नया जो विभाग मिला है उन्हें, इस बार जो है इन्हें वित्त विभाग मिला है, पैसे वाली जगह मिली है, और बिहार को संवारने का जो है इन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। अगला जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। इस बार भी जो इन्हें है ऊर्जा मंत्री मिला है। पिछली बार भी जो है कि कैबिनेट में जो है इन्हें ऊर्जा मंत्री ही दिया गया था, और बाकायदा बिजली को लेकर जितने तरह के काम हुए हैं उससे कोई झुठला नहीं सकता है। हर घर बिजली की जो बात केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश सरकार की बात कहती हो, आज जो स्थिति है गाँव में बिजली की स्थिति है ठीक ठाक है। गाँव में एक तरह से कह लें कि बिजली है और वहाँ पहुँच रही है, और किसानों को लेकर जो है एक अलग तरीके का काम किया गया है। किसानों को केवाईसी के तहत एक तरह से कह लें कि उन्हें कम पैसे में जो है बिजली मुहैया कराने की बात कही गई है, ताकि जो है वो अपने खेतों में अनाज यानी कि फसलों को जो है वो बचा सकें, और जहां जहां बारिश नहीं हुई है उन इलाकों में जो है बिजली कारगर तरीके से काम कर रही। तो ऐसे में विजेंद्र प्रसाद यादव को एक बार फिर से जो है ऊर्जा मंत्री का पद जो है दिया गया है। अब हम देख लेते हैं
और भी लिस्टों में जितने भी नाम हैं इन सब का हम एक बार देख लेंगे कि इनको जो है कौन कौन सा पद दिया गया है। सबसे पहले नाम है आलोक कुमार मेहता का, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। इससे पहले आलोक कुमार मेहता को लेकर ये बात कही जा रही थी कि इनको जो है शिक्षा विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र में भी काम कर चुके हैं और कहा जाता है कि पढ़े लिखे नेताओं की छवि इनकी रही है RGD में, तो ऐसे में इनको जो है शिक्षा विभाग मिलने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो स्थिति है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है आलोक कुमार मेहता के पास है, ये वो विभाग है जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। राजस्व एवं भूमि सुधार को लेकर लगातार नीतीश कुमार की जो पिछली सरकार रही उसमें काम होता रहा और कई भूमि के जो जितने भी मामले हैं उसको लेकर जो है वो लगातार लड़ते रहे कि हमें जो है इन इन चीज़ों में जो सुधार की जरूरत है ताकि प्रदेश में जो है क्राइम के मामलों में कमी आ सके। तो ऐसे में आलोक कुमार मेहता के सामने एक बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे जो है भूमि सुधार को लेकर वो प्रदेश में काम कर सके और क्राइम के मामलों को जो है कैसे वो दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो है अफाफ आलम, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जिनके पास मिला है, ये जो है कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं, कांग्रेस के कोटे से इनको जो है इस बार मंत्री बनाया गया है। अफाफ आलम को जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो है मिला है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। जब ये कहा जाता है जब 2015 का जब गठबंधन हुआ था महागठबंधन और नीतीश कुमार के साथ, उसमें जो है एक बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया था अशोक चौधरी, और उसके बाद से ही कांग्रेस से इनका नाता टूटा और जदयू के साथ रहे। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं अशोक कुमार चौधरी, और अभी वर्तमान में बिहार सरकार में इन्हें जो है भवन निर्माण विभाग का जो है जिम्मा दिया गया है और एक तरह से कहने की अतिरिक्त जिम्मेवारी के रूप में भी ये काम करेंगे। श्रवण कुमार पिछली सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री थे, नीतीश कुमार के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं जदयू की तरफ से, और कहा जाता है कि संगठन को अगर बांध के रखने की क्षमता है तो श्रवण कुमार में वो क्षमता है जो पार्टी को एक तरह से कहने की आगे ले जाने में और मोटिवेट करने में इनका बड़ा नाम आता है। तो ग्रामीण विकास विभाग जो है पिछली बार भी इनके पास था, इस बार भी जो है इन्हें ग्रामीण विकास विभाग मिला है श्रवण कुमार को। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता विभाग के खाते में है, RGD से विधायक हैं। रामानंदन यादव खान एवं भूतत्व विभाग, कहा जाता है कि रामानंदन यादव जो है इन्होंने इनका जब मंत्री बनना जब तय हुआ तो कहा जाता है कि भाई वीरेंद्र का पत्ता जो है यहीं पे कटा था और रामानंदन यादव जो है वो बिहार सरकार के मंत्री हुए खान एवं भूतत्व विभाग के। उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि भाई वीरेंद्र के जो चाहने वाले हैं वो इससे नाराज हो गए हैं। वहीं अगर हम बात कर लेसी सिंह की, तो लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय दिया गया। इससे पहले भी उनके पास यही मंत्रालय था, जदयू के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। पूर्णिया का वो इलाका है जहां से वो धमदाहा से विधायक हैं और वहां से वो जीत कर आती है। मदन सहनी को समाज एवं कल्याण विभाग मिला है। सर्वजीत कुमार इन्हें जो है पर्यटन विभाग दिया गया है। और अगर हम बात करें ललित यादव की एक तरह से कहने विपक्ष का वो चेहरा है, RJD की तरफ से वो विधायक हैं, जब सदन में बोलने की बारी आती है, सदन को मजबूती से जब अपनी बात रखनी होती है तो ललित यादव जो है खड़ा होते हैं, और तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में कभी भी ये नहीं लगता है कि राजद आज सदन में बैठा नहीं है। ललित यादव खड़ा होकर बोलते हैं और उसका ही फल है कि आज जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है ललित यादव के पास है, ललित यादव को दिया गया है। ललित यादव लंबे समय से विधायक रहे हैं, RGD के तरफ से ही विपक्ष में जब बैठते थे ललित यादव, और सत्ता पक्ष के रूप में जब RJD के सत्ता पक्ष के रूप में जब BJP बैठती थी तो लगातार इस पर ललित यादव पर यह टोन कसा जाता था कि आप जो है कब तक रहेंगे विपक्ष के रूप में बैठे हुए, कभी तो पार्टी आपको मौका देगी। आज वो समय आया जब ललित यादव जो है केंद्र मंत्री के रूप में जो है सदन में बैठेंगे। इस बार भी जो है इन्हें SC/ST कल्याण विभाग का जो है मंत्री बनाया गया है। अब हम बात कर रहे थे संजय कुमार झा नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, और मिथिलांचल का वो इलाका है जहां से ये आते हैं, और कहा जाता है कि अगर दरभंगा में जितनी तरीके से काम हुआ हो उन सब में जो है इनका एक अहम योगदान है। नीतीश कुमार को अगर उठा के दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार अगर ले गया है कोई व्यक्ति तो उसमें कहा जाता है कि संजय कुमार झा का एक बड़ा नाम है जो सामने आ रहा है। और जल संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पिछली बार भी इनके पास यही पद था, यही विभाग जो है इनके पास मिला था, इस बार भी जो है इन्हें जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है इस बार भी संजय कुमार झा के पास ही है। शीला कुमारी पिछली बार भी परिवहन विभाग थी, जदयू की नेताओं में से एक मानी जाती है, और इनका जो है पार्टी में एक अलग छवि की नेता के रूप में देखा जाता है शीला कुमारी को। तो ऐसे में इस बार भी इन्हें जो है परिवहन विभाग के रूप में प्रदेश में काम करने का मौका मिला है। दूसरा जो अहम नाम है समीर महासेठ।
समीर महासेठ को आप जो है सदन में खूब बोलते हुए देखेंगे, तमाम मुद्दों पे जो है अपनी बात रखते हैं समीर महासेठ। और अब जो है इनको उद्योग विभाग मिला है। एक तरह से कहना कि पिछली बार जब ये विभाग जो है बीजेपी के खाते में था और उस समय जो है ये पूरा विभाग उद्योग विभाग जो है शहनवाज हुसैन देख रहे थे। शहनवाज हुसैन ने कई उद्योगपतियों को बिहार में आने पे मजबूर किया, करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लगा है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जितने प्रोजेक्ट कम से कम जो बिहार में आए हैं, टर्नओवर हुए हैं, यहाँ पे आने को मजबूर हुए हैं, वो रास्ता जो है उसको आखिरी स्थिति तक पहुँचाएं समीर महासेठ और बिहार में उद्योग को आगे बढ़ाएं। पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, चाहे वो छात्रों का पलायन हो या फिर मजदूरों का पलायन हो, इन दोनों पलायन को कैसे रोका जा सके। बिहार सरकार की जो नई कैबिनेट बनी है उससे इस बात को जो है लोगों को खासा उम्मीद है। अगला जो नाम है वो है चंद्रशेखर और इन्हें जो है शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है अशोक चौधरी जो कि जदयू से विधायक हैं, जदयू से आते हैं, उनको जो है शिक्षा विभाग मिली थी। बिहार का जो है शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा को लेकर कैसे हम आगे काम कर सकते हैं, इसको लेकर जो है उनकी जिम्मेवारी दी गई थी। तो चंद्रशेखर को इस बार जो है जो कि आरजेडी से आते हैं, इनको ये जिम्मेवारी दी गई है। सुमित कुमार सिंह ये एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं और इन्हें जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। पिछली बार भी इनके खाते में यही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ही था। तो ऐसे में सुमित कुमार सिंह जो कि जदयू और आरजेडी दोनों से उनका, इनके पिताजी नरेंद्र प्रसाद सिंह जो है उनका नाता रहा, वो दिवंगत हो गए, लेकिन सुमित कुमार सिंह जो है इन्हें जो है पार्टी दोनों ही तरफ से जो है समर्थन मिला रहा है। सुनील कुमार मद्य एवं निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग जो है इनके खाते में आया है। और सबसे आखिरी में जो नाम है वो है अनिता देवी का। अनिता देवी के पास जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है इनके खाते में आया है। तो एक तरह से कह लें कि ये पूरी कैबिनेट है नीतीश सरकार की जो कि अगले 5 सालों तक के लिए काम करेगी।